नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, पुणे के मुक्तांगन व्यसन मुक्ति केंद्र की फाउंडर मुक्ता पुणतांबेकर सोमवार को कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची। उनका साथ देने के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा वहां मौजूद थे। उनका यह एनजीओ नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज करता है। केबीसी के एपिसोड के दौरान मुक्ता पुणतांबेकर ने एक नए तरह के एडिक्शन के बारे में बताया, जिसे बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्क्रीन एडिक्शन भी आता है। बातचीत के दौरान रणदीप हुड्डा ने बिहेवियरल एडिक्शन से जुड़ा चौंकाने वाला किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर महानायक अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए और सोच में पड़ गए। रणदीप ने बताया कि एक महिला सोशल मीडिया पर कोई गेम खेल रही थी, इसी दौरान उनका बच्चा तेजी से रोने लगा। इरिटेट होकर महिला ने उस बच्चे को इतनी तेजी से झकझोरा कि बच्चे की मौत हो गई। रणदीप के मुताबिक उन्हें इस घटना के बारे में खुद मुक्ता पुणतांबेकर ने बताया था। जब बिग बी ने पूरी घटना के बारे में सुना तो वे हैरान रह गए, यहां तक कि वहां मौजूद दर्शक भी सन्न थे। कौन बनेगा करोड़पति से मुक्ता पुणतांबेकर ने 12,50,000 रुपए की राशि जीत कर गई। 25 लाख रुपए के सवाल सामने आया था, लेकिन जवाब न पता होने की वजह से उन्होंने गेम क्विट कर दिया। दोस्तों, मुक्ता के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।